तो जैसे कि आपको पता है 9 सितंबर से अपना सीजीएल की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हमने आईबीपीएस आरआरबी के क्वेश्चंस किए थे, आरआरबी की एग्जाम निकल चुकी है, तो अपना फोकस अभी हम सीजीएल पे लेके चलते हैं। तो सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन, सीजीएल एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करती है, एक बढ़िया जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो किसी भी एग्जाम को आप देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन पे काम करेंगे। नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देखलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अभी 9 सितंबर से अपना सीजीएल की एग्जाम्स स्टार्ट होने वाली है, तो हम अभी आज से एग्जाम्स इनकी करेंगे जो सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर करेंगे। इससे पहले हमने आईबीपीएस आरआरबी के क्वेश्चन किए थे, आरआरबी की एग्जाम निकल चुकी है और आईबीपीएस की एग्जाम कल भी हो चुकी है और आज भी हो चुकी है और आगे एक दिन और है, और बाकी आगे जो आएंगे वो सीजीएल की है। तो अपना फोकस अभी हम सीजीएल पे लेके चलते हैं। तो सीजीएल में आने वाले क्वेश्चन, सीजीएल एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करती है और बहुत अच्छी ये सर्विस है, एक अच्छी नौकरी है जो कि एक बढ़िया जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी एग्जाम को आप देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम करने जा रहे हैं जैसे मैथ्स ही पढ़ाता हूं तो हम क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन करेंगे और एसएससी सीजीएल के पीवाई की पहली क्लास है ये, और अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 2023 की शिफ्ट 3 की क्लास है ये, ठीक है। तो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन आज हम 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको देखना यह है कि हम किस क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो जल्दी से जल्दी हम सोल्व कर पाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, तो मेन महत्वपूर्ण टाइम होता है, वहां आसानी से क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं। तो हम उनको कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनकी ट्रिक समझेंगे कि कैसे हम उनके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और उनके जल्दी से जल्दी हम अपना क्वेश्चन करके खत्म करके अगले वाले क्वेश्चन पे चले, ताकि हमारा आने वाला टाइम, जो टाइम हमारा बचे एग्जाम में, टाइम कवर हो पाए, पूरा क्वेश्चन हम कर पाए और अच्छे से अच्छे हम स्कोर कवर कर पाए। तो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं इसका एसएससी सीजीएल की जो क्लास वन का। तो 25 अगस्त 2000 जो कल ये जो आज है अपना आज की जो क्लास है ये 27 जुलाई 2023 की जो है वो शिफ्ट 3 की क्लास है ये। तो हम इनका क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हर जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से देखो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देता हूं कि जो मैथ्स में है, आपको कैलकुलेशन बूस्ट, कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं डेली एक क्वेश्चन लेके आता हूं जो 9 बजे अपलोड होता है अपने चैनल पर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है वो बेसिकली, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, जो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी हमारी क्या स्पीड बूस्टअप होती है उससे। तो डेली एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको जो कम्युनिटी पोस्ट में मिलता है, जो कि एक क्विज फॉर्म में होता है, तो जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको सोल्व करना होता है और उसको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप गलत करते हो या सही करते हो, आपको दोनों उसमें बताएगा, दोनों आपको सही है या गलत दोनों बता देगा, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी दिखाएगा साथ में कि ऐसे। और एक 40 सीरीज आती है दोपहर को 12 बजे, जो 40 सीरीज यानी कि डेली डोज बाई धनपाल देख लिया, एक ऐसी सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं और इंस्टेंट सॉल्यूशन डेली उसका आपको देता हूं। तो मिक्स क्वेश्चंस पे वो क्वेश्चन जो सीरीज चलती है 40 सीरीज, और डेली उसमें अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, तो उन एग्जाम क्वेश्चन को जरूर सोल्व करिए साथ में, ताकि आपको उसे हर एग्जाम के पैटर्न की समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है,
कि इफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल इज 30 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल देन द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज व्हाट। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं आपके, 90, 60, 30, 75। बोल क्या रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो एक एंगल है राइट एंगल में, ये तो कंफर्म है। देखो सबसे पहले आपको समझने वाली बात क्या होती है कि एक एंगल है। अभी क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जैसे एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका एक, ये एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये तो 90 डिग्री फिक्स होता है, ये तो 90 डिग्री फिक्स होता है, लेकिन इसमें एक एंगल क्या बोल रहा है कि एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल यानी कि एक एंगल जो सबसे छोटा एंगल है उससे जो दूसरा वाला एंगल है, यानी कि आप सिर्फ इन दो की बात कर रही है, आप इनको समझ लो कि एक्स वाई है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को यानी कि ये अगर एक से डिग्री है, ठीक है, ये अगर एक से, ये एक से डिग्री है, इसको समझ लो कि ये एक से डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये जो होगा एक्स प्लस, या इनको नाम दे सकते हैं हम ए प्लस बी ताकि आपको सही रहेगा, ठीक है, ए बी। तो अगर ये एक्स से डिग्री है तो ये कितना है, एक्स प्लस 30 है, यानी कि जो कभी भी तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। ट्राइंगल के किसी भी तीनों कोनों का जो सम करेंगे किसी भी ट्राइंगल का, तो वो क्या होगा, वो होगा 180, ठीक है। यानी कि तो यहां पर ये तो कंफर्म है कि एक तो 90 है, तो अगर हम इसमें से 90 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 90 डिग्री बचेगा, यानी कि ये जो दोनों सम है वो 90 डिग्री है। और अगर एक एंगल का बोल रहा है कि एक एंगल जो सबसे छोटा एंगल है उससे जो दूसरा एंगल है वो 30 डिग्री बड़ा है, तो यानी कि अगर हम इसको x प्लस 30 कर दे, ठीक है, तो 30 बोल रहा है, तो अगर हम इसको 30 को भी इसमें से माइनस कर देते हैं तो 60 बचेगा। तो यहां पर हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमको मिलेगी 30, ठीक है। तो हमको ये यहां पर कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा x की वैल्यू है वो 30 डिग्री है और एक जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है वो भी 30 डिग्री है, ताकि स्मॉलेस्ट यहां पर क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट 30 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, जो अगर राइट है वो 90 डिग्री है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, और जो उससे बड़ा है यानी इसको बोल सकते हैं मिडिल वाला, तो मिडिल क्या होता, मिडिल क्या है, 90 और 30, ये कितने हो गए 120, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया वो 60 है। तो हमारा आंसर यहां पर बेसिकली क्या आएगा कि जो हमारा स्मॉलेस्ट को हमको निकालना है तो वो 30 डिग्री है, क्योंकि 90 ये है और ये दोनों मिला के 90 है, ठीक है। तो एक 30 ज्यादा है, तो अगर 30 भी माइनस कर देंगे तो बराबर 60 बचेगा, यानी कि 60 को दोनों भागों में हम बांट देंगे तो दोनों के 30-30 बचेगा और एक में 60 हो जाएगा, एक में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका सी ऑप्शन 30 डिग्री आंसर यह करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है, यहां पर देखो कुछ नंबर दिए हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमको, 5826 उसके बाद 5964 6039 6336 एक दिया है 6489 और 6564 और 6867। देखो यहां बहुत सारे नंबर दिए हैं हमको, 6960 5826 5964 6039 6336 6489 6564 6867 और 6960। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको इनमें से ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो कि 3 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता है, ठीक है। तो 3 से तो यानी कि होना चाहिए लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको नंबर यहां पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे यहां पर नंबर, हम यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है 3 का और 9 का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहां पर, अगर आपने नहीं देखा है तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने सारे नंबर्स के जो डिविजिबिलिटी के रूल है वो सारे करवा रखे हैं, वहां से आप सारे देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 9 और 3 का बताता हूं। तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके नंबर को आपस में सम अगर करते हैं और वो जो नंबर है
वो अगर 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखो हमको यहां पर चेक कैसे करना है। देखो जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, यहां पर हमको शॉर्टकट तरीका क्या अपनाना है, जैसे क्वेश्चन में हमको घुमाने की कोशिश करिए कि 3 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, जो 9 से होगा, ठीक है, 9 से होगा वो तो 3 से होगा ही होगा, यानी कि हमको सिर्फ 9 का चेक करना है। अगर जो आपको 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा, क्योंकि इसी का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 9 भी, तो हमको सिर्फ 9 का चेक करना है, जो 9 से हो रहा है ओके, जो नहीं हो रहा है वो हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो आप क्वेश्चन यहां पर क्या हो रहा है, टोटल यहां इनको जोड़ो आप। यहां पर हम चेक करने वाले हैं, कैसे चेक करेंगे इनको कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो 8 5 13, 13 और 2 15 और 15 और 6 ये क्या हो रहा है 21, तो इसका मतलब ये क्या 3 से तो होगा। ठीक है, ये 3 से होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, मैं 3 का ऐसे ऊपर करता हूं, 3 से हो रहा है और 9 से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, एक ये हमको मिल गया हमारे आंसर के हिसाब से, जितना हमको ऑप्शन मिलेगा एक ये मिल गया हमारा। दूसरा देखो 5 और 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 4 24, यानी क्या हो रहा है ये हो रहा है 24। ठीक है, तो 24 क्या होगा, 24 भी जो है 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, यानी कि ये भी हमारा नंबर है, ये भी हमारा नंबर है। उसके बाद देखो 6 9 और 3 9, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां 18 हो रहा है, मतलब ये दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी और 9 से भी, तो ये हमारा आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हमको चाहिए 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला लेकिन 3 से होना चाहिए। अब देखो 6 और 3 9, यानी कि ये भी क्या हो रहा है 18 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों से डिविजिबल है इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। 6 4 10 और 8 18 18 और 9 27, यानी कि ये आपका 27 आ रहा है, तो 27 भी 3 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। देखो 6 और 6 12 12 और 9 हो गए 21, तो 21 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, यानी कि हमारा आंसर में आएगा, ये आंसर में आएगा। उसके बाद देखो 6 8 7 9 6 8 6 7, तो 6 और 6 12 12 और 8 20 और 27, तो ये 27 है जो ये दोनों से डिविजिबल है लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 9 6 और 6 12 और 9, यानी कि 21, तो ये जो है 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारे ऑप्शन में आएगा। तो हमको देखना है हमारा ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन 4। अगर ऑप्शन की 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 कौन सा है, ऑप्शन 4 जो है हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर 4 आएगा आंसर हमारा है। और जो ऑप्शन है कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहां पर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश ऑन वेरियस आइटम इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, यहां पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है लेकिन मैं आपको अभी ऐसे इस पर बता देता हूं। तो यहां पर ये क्या करता है, इंटरटेनमेंट में इसका नंबर है, इसका परसेंटेज है 15% खर्चा जो है, और उसके बाद हाउसिंग में इसका है 25%, उसके बाद इसका एजुकेशन में है, एजुकेशन में खर्चा है 30%, और इसका ट्रांसपोर्ट में है 10%, और फूड पे खर्चा करता है ये 20%। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश ऑन वेरियस आइटम इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट, इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 45,000 देन फाइंड हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर इसकी 45,000 रुपए तनख्वाह है, ठीक है, अगर ये महीने के 45,000 रुपए कमाता है, ठीक है, तो इसका जो ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज किसका, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट, यानी हाउसिंग तो इसका 25% हाउसिंग का है और ट्रांसपोर्ट का है 10,
यानी कि टोटल 35% ये खर्च करता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो हमको इसका पैसे निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 35 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये इसकी 1% की वैल्यू निकलेगी और यहां पर हम 35% का वैल्यू इससे हिसाब से निकाल देंगे। तो अगर 00 से 00 हम काट देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बचता है क्या, 45 और 35, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई बेसिकली अब क्या करना है, 45 और 35 का, या 450 से 35 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन की बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको। जब ऐसे भी बड़े सम आते हैं, बड़े नंबर अमाउंट आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनको एवरेज से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी एवरेज की ट्रिक काम करेगी। जैसे एक तरफ 45 है, एक तरफ 35 है, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, इन दोनों का एवरेज आएगा 40, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी जो ट्रिक है ना, वो है एवरेज, जो एवरेज नंबर आ रहा है, जैसे 45 और 35 के बीचों बीच जो नंबर आएगा, जो बीचों बीच में एकदम इंटीजर आएगा, फुल नंबर आएगा, डेसिमल नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर आएगा, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो 45 और 35 के बीचों बीच जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। तो आपको क्या करना है, 40 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 40 का आपको स्क्वायर करना है और उसमें से माइनस क्या करना है, इनका जो डिफरेंस, यानी कि 40 से लेके दोनों तरफ इनका डिफरेंस कितना है, तो ये 40 से 5 कम है और ये 40 से 5 ज्यादा है, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। तो 25 यानी बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर करना होता है, तो 5 का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पर, तो 4 चौक 16 और 1600, ठीक है। 1600 में से आपको घटाना कितना है, 25। अगर 1600 में से आप 25 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा 1575, ठीक है। तो 1575 जो है, और एक यहां पर जीरो है आप देख सकते हो, तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15,750 रुपए। इसका किस पे खर्चा है, इसका खर्चा है हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। 45,000 कमाता है, हाउसिंग के ऊपर 25% खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर 10% खर्च करता है, दोनों मिला के 35% खर्चा होता है। 45,000 की इनकम है, 100 से डिवाइड होगा, 35 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 15,750 रुपए हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट पे ये खर्चा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और ऑप्शन की अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आप सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9728 व्हाइल द सम ऑफ टू गिवन नंबर इज 32, ठीक है। जो दो नंबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी, दो नंबर हम मान सकते हैं कि ए बी, एक हमारे पास नंबर ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना हो रहा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो रहा है आपका 9728, ठीक है, 9728 हो रहा है। और अगर नंबर की बात करें कि अगर ए और बी को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है 32, ठीक है। ए और बी को प्लस करेंगे तो 32 मिलेगा, ए स्क्वायर बी प्लस प्लस बी स्क्वायर को प्लस करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9728, ए प्लस बी 32, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस, अब हमको डिफरेंस निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस यानी कि हमको क्या करना है, हमको निकालना है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको ये निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जब दो संख्याओं का स्क्वायर करके इनका वर्ग करके इनको जोड़ा जाए तो 9728 मिलता है, और अगर उन संख्याओं का योग किया जाए तो 32 होता है, ठीक है। तो हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमको माइनस करना है, सॉरी यहाँ क्यूब की बात चल रही है, क्यूब है, घन है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है। तो हमको ए क्यूब और बी क्यूब का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर ऐसी जगह पे आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि आपको कम से कम 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो 30 तक क्यूब अगर आपको याद होगा तो आपको जैसे आप यहां देखोगे कि 728 यानी कि 1728, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का क्यूब, क्योंकि क्यूब क्यूब का जो एग्जैक्ट परफेक्ट क्यूब होगा वो लिमिटेड नंबर मिलेंगे आपको, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें कि 1728 यानी कि हम 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 12 का क्यूब को हम इसमें से माइनस कर दे तो हमको क्या बचता है, क्योंकि 1728 तो देखो यहां पर हमको मिलेगा ये 8000, ठीक है,
8000 प्लस 1728 यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो 8000 है ये किसका क्यूब है, ये है 20 का क्यूब, ठीक है, ये है आपका 20 का क्यूब, यानी 20 का क्यूब आपका 8000 आएगा और जो 12 का क्यूब है आपका 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको यह पता चल जाएगा कि इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के मिलने से यह संभव है, तो 1728 आपको 728 देख के आपको दिमाग में हट्टी बननी चाहिए कि 1728 ये 12 का क्यूब है प्लस इसको माइनस करेंगे तो हमको 8000 मिलेगा जो कि 20 का क्यूब है, ठीक है। अब हमको करना क्या है देखो, और अगर हम इनको 20 को और 12 को भी जोड़ते हैं यानी कि हमारी ए संख्या है वो क्या है, वो है हमारी 20 और जो बी संख्या है वो क्या है हमारी 12, तो इनका जब क्यूब करके करते हैं एडिशन तो 9728 आता है और अगर हम इनको 12 करते हैं तो हमको मिलेगा 32, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, तो हमको क्या करना है ए क्यूब में से बी क्यूब माइनस करना है, यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पर 8000 में से 1728 माइनस करना है ताकि हमारा आंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस कर दो तो 10 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, और यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पर आपका 7 बचा हुआ है और 7 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6, यानी 6272 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर की अगर ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6272, ठीक है। बस आपको कुल मिला के आपको यहाँ पर क्यूब पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो आप 1728 देखिए आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि ये 1728 यानी कि 12 का क्यूब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, मान लो ये है आपका एक सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, जो कि जिसका रेडियस यानी कि अगर हम यहां से इसके रेडियस की बात करें तो ये रेडियस कितना है, रेडियस है इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, यहां पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, सर्कुलर आर्क की अगर हम बात करें तो ये आप ये समझ लो कि ये वाला ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला है तो 4 सेंटीमीटर इसका आर्क ये है रेडियस, तो यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और जो यहां पर एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंगल यहां पर 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड, तो सेक्टर किसको बोलते हैं, जब ऐसे आपको एक पिज्जा टाइप का ये जो कटा हुआ जो भाग लग रहा है इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, ये है आपका सेक्टर, ठीक है, तो आपको इसका पेरीमीटर पूछा है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, यहां से ये ऐसे करके ऐसे करके, तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि पेरीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको निकालना ये पड़ेगा क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी तभी तो सम होगा, तभी तो पेरीमीटर निकलेगा, क्योंकि ये 4 और ये 4 ये तो 8 हो गए लेकिन इसका क्या, ठीक है, तो इसका मैं आपको बताता हूं ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो, अब हमको लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है, ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr, और यहां पर क्या होगा कि ये जो एक पाई होगा पाई अपॉन 360, तो 360 क्यों यूज करेंगे, यहां पर 360 यूज करेंगे क्योंकि ये पूरा सर्कल क्या है, ठीक है, और उसमें से कितने डिग्री की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये पूरे की बात करें तो ये 360 है, तो 360 में से 45 की बात कर रहा है, यानी कि इसकी आर्क की लंबाई हमको कैसे निकलेगी, आर्क की लंबाई निकलेगी देखो 2 की जगह पे 2 आएगा, पाई की जगह पे 22/7, ठीक है, 22/7, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में पाई जो है आपका पाई की जगह पे आएगा 45, यानी कि पाई ये इस डिग्री की बात कर रहा है, तो 45 अपॉन 360, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1/8, ठीक है, देखो 45 अपॉन 360, ठीक है, तो ये कितना होता है 45 गुना 90 और 936, यानी कि ये 1/8 है,
ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/8, ठीक है, और 1/8 हम इसको लिखेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको इससे आर्क मिलेगा, इसका ये वाली लेंथ मिलेगी, ठीक है, ये वाली लेंथ मिलेगी हमको। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, कि ये 4 से गया 2 बार, ठीक है, और ये 2 से ये 2 गया, यानी कि हमको क्या मिला फाइनल आंसर, हमको कुल मिला के मिला 22/7, जो आर्क की लंबाई है वो क्या है 22/7 है, ठीक है। तो 22/7, और जो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर का भी फॉर्मूला है, वैसे तो देखो आप लॉजिक लगा सकते हो कि हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए 4 ये है, 4 ये है, 8 तो ये हो गए, और आर्क की लंबाई ये है, बस इनको ऐड करना है आपको, है ना। तो और इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला भी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। जब सेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या होता है L+L+2R, तो ये कुल मिला के वही है फॉर्मूला, लंबाई यानी कि आर्क की लंबाई और 2R यानी कि रेडियस 2R, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन खींची गई है तो 2 बार रेडियस आएगा इधर। तो देखो यहां पर क्या है, L यानी कि क्या हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, और 22/7 प्लस 2R यानी कि 4 × 2 = 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हमको इसके नीचे भी चाहिए, तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं और 8 के नीचे हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। 8 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तभी तो हमारा एलसीएम लेके हमारा आंसर सोल्व होगा। और अगर हम इनको दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले हमको इनको सिंपल ये करना पड़ेगा एलसीएम लेके बराबर। तो अगर यहां पर 22/7 है तो हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 7 को दोनों में ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये अगर इंटू 7 करेंगे तब 7 होगा, तो हमको इसको भी इंटू 7 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, ठीक है, 56 हो जाएगा। तो 22 में 56 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 और 20 = 78, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 78/7, ठीक है। तो जो अगर इसकी इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, इसका सेक्टर का पेरीमीटर 78/7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें हम यहां पर, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है, बिल्कुल हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको थोड़ा, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए तभी आप काम कर पाओगे, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहां पर हमने लॉजिक और दोनों लगा लिए, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क को 2πr, ठीक है, 2πr, तो पाई किसको बोलते हैं, पाई यानी कि पाई का 22/7 क्या होता है, अगर ये 22 है तो ये 7 है, इसीलिए इसको 22/7 बोला जाता है पाई को, ठीक है। और इसका ये जो आएगा आपकी डिग्री आएगा 360 इसका पूरा एंगल है, और आर इसका रेडियस हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं और इस फॉर्मूले से ये आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच नंबर एमंग 4 नंबर दिए हैं इज डिविजिबल 11, ठीक है। तो 4 नंबर दिए हैं यहां पर, तो हमको वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, तो हमको 4 नंबर दिए हैं, 11368, 11368, 12 11368, उसके बाद 11638, उसके बाद ये है आपको 11863, और फिर दिया है आपका 12638, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको निकालना है चारों नंबर में से कि इसमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है इसी क्लास में, जिसमें 3 और 9 की बात हुई थी और यहां पर 11 की बात हुई है। तो जो 11 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो अलग रूल है, अब उसका रूल देखो समझाता हूं मैं आपको क्या हूं। जैसे कोई नंबर है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर इसको आपको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है, तो क्या करोगे आप, कैसे पता लगाओगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट नंबर, देखो ए प्लस सी प्लस ई, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई आपको करना है और इसमें से माइनस करना है बी प्लस डी, ठीक है, बी प्लस डी, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर का योग होगा, टोटल होगा ए सी एक एक नंबर छोड़ के, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी, हो सकता है कि ये भी बड़ी हो,
ठीक है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो डिफरेंस आएगा वहां पर या तो 11 बचना चाहिए या कुछ नहीं बचना चाहिए, सिर्फ 11 और 0, इसके अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी बचेगा यानी कि ये वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखो यहां पर क्या है, 11 और 3, 1 और 3 यानी 1, 3, 4 और 8, ठीक है। 1, 3, 4 और 8 यानी कि कितना हो गया 12, और ये दोनों कितने हो गए, ये दोनों हो गए 7। अगर 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा 5, ठीक है। यानी कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हमको निकालना है कौन सा वाला है, ठीक है। अब यहां देखो 1, 6 और 1, 7 और 8, ठीक है। 7, 6, 7 और 8 यानी कि 14 और 15, तो यहां हम घटाएंगे 15 में से 1 और 3, 4, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा 11, तो 11 बच रहा है यानी कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद देखो 8 और 1, 9 और 3, 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, तो 12 में से यहां पर 7 आपको माइनस करना है तो आपका फिर 5 बचेगा, इसका मतलब ये भी आपका नहीं है। खैर हमको ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में एक ही आपको आंसर ऐसा मिलेगा जो कि मैच करे, तो 6 और 7, तो 7 और 8 ये फिर इतना ही हो गया, ये आपका हो गया 15 और माइनस यहां पर आ जाएगा 5, तो यहां पर आपका 7 बच रहा है, आपका 15 में से 5 गया तो 10 बच रहा है, तो यानी कि ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा ये 11638 जो है हमारा 11 से डिविजिबल है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा इसमें है 11638, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपने नहीं देखी है, ऑप्शन में प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, वहां पर मैंने सारी क्लासेस 8 क्लासेस करवा रखी है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, आप आराम से सीख सकते हैं वहां से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, एक सिलेंडर क्या होता है, ऐसे करके होता है और ऐसे करके होता है, ठीक है, यानी कि राइट ये है, ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस क्या होता है यानी कि उसका बाहर बाहर का एरिया वो निकालना, ठीक है। जब पूरे की बात करेंगे तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम सब आएगा उसमें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, इसकी हाइट कितनी है यहां से लेके यहां तक, इसकी हाइट कितनी है 56 cm, ठीक है। और इसका जो इस ऑफ हाइट 60 है इसका, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका 1408 cm², ठीक है, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको दिया हुआ है। अब देखो यहां पर हमको क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको। अब हमको निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यानी कि बेस, तो यहां पर इसका ये रेडियस होगा, तो डायमीटर कितना होगा, रेडियस से डबल होता है, ठीक है, ये यानी कि पूरा डायमीटर है इसका, तो हमको इसकी लेंथ निकालनी है कि ये कितना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमको बेसिकली निकालना है इसका। तो देखो यहां पर क्या होता है, देखो कर्व सबसे पहले एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका 2πRh, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें हमको दो चीज निकालनी, देखो सबसे पहले हमको पूछना है डायमीटर, ठीक है, हम डायमीटर हमसे पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2 बार रेडियस, ठीक है, तो रेडियस प्लस रेडियस हो जाता है। उसके बाद
अगर यहां पर देखो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है मीटर में, ठीक है, तो हमको ये चीज जो है ना मीटर में निकालनी है, और हमको यहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे, मीटर के लिए हम करेंगे इसको यानी कि सीएम अपॉन मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, सीएम टू मीटर बनाने के लिए क्या होगा, सीएम से सेंटीमीटर से हमको मीटर में करने के लिए 1/100, ठीक है, तो ये दोनों हमको चीज लास्ट में करनी है हमारा आंसर आने के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहां पर देखो डायमीटर नहीं है, यहां आर है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो रेडियस में आएगा, उस रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर मिलेगा, और डायमीटर को हम अपॉन 100 डिवाइड करेंगे 100 से, तब जाके हमको मीटर में उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है कि 2πRh, और ये किसके बराबर है, ये है आपका 1408 के बराबर, ठीक है, ये 1408 के बराबर है, तो यानी कि अगर यहां पर तो आपका 2 ही आएगा, पाई की जगह पे आ जाएगा आपका 22/7, ठीक है, आर की जगह पे आर रहने दो अभी फिलहाल के लिए, और एच की जगह पे आ जाएगा 56, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये 1408 के बराबर, ठीक है। तो अगर देखो आप इसको काटोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये 7 से ये 56 कट जाएगा, यानी कि 8 बार में, ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा, और अगर आप इसको देखो 11 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा 11 से, और ये देखो कितनी बार जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11 3 बचा 30 हो गया, फिर दूनी 22, और फिर आपका 8 बचा और 8 बार में 88 हो गया, ठीक है। तो और अगर और इसको 8 बार से हम काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, यानी कि 16 बार में, ठीक है, तो 16, तो यहां पर क्या बचा आपका 2×2 और 16, और अगर इसको 2×2 = 4, अगर इसको 4 से काटेंगे तो आपके पास बचेगा 4, मतलब यहां पर आपको r की वैल्यू क्या बची है, 4, ठीक है, अगर r की वैल्यू आपको 4 बची है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8, यानी कि आपका 8 डायमीटर हो गया, ठीक है, और 8 अगर डायमीटर आपका हो गया और अगर इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है cm, ठीक है, ये cm है, तो अगर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मीटर में हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा आपको 0.08 मीटर, तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो मीटर में आपको जवाब देना है 0.08 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको क्वेश्चन मिले हैं, तो और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। ऑप्शन आपका थ्री है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द
थर्ड साइड, ठीक है। देखो अब यहां पर हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, तो पहला ऑप्शन की क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। मे बी मतलब हो सकता है कि दो साइड्स के, अगर हम इस साइड को प्लस करें तो ये इस साइड के इक्वल हो सकता है, तो ट्राइंगल में ये कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, कभी भी आड़ा थोड़ा टीढ़ा इधर वो बड़ा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे इसके इक्वल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम हमेशा तीसरी साइड है उससे बड़ा होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा बोल रहा था सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस, तो टू साइड कैसे लेस होते, दोनों को जब जोड़ होगा तो हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, तो हमेशा बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सवाल था, बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 9, सारा कैन फिनिश ए वर्क, डायमंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है, सारा कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, तारा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, तारा वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक सारा है, ठीक है, एक सारा है और एक तारा है, ठीक है, तो सारा है तारा है, तो सारा जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करती है, ठीक है, और सारा उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देती है। तो यहां पर हमको क्या होता है कि जब हमको ऐसे टाइम मिलता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक नंबर अज्यूम करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को हम बेसिकली कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को जो इन नंबर को सेटिस्फाई करेगा, इन नंबर से इनका जो मल्टी एलसीएम होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर आप यहां पर आपको क्या करना है, देखो 18 और 15 ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी जो 15 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है, तो आप कहोगे कि सर 90, ठीक है, 90 अगर हमारा ऑप्शन में एलसीएम लेते हैं, तो देखो ये 18 से कितनी बार जाएगा 90 तक, ये जाएगा 18 पंजे 90 और 15 छंगे 90, ठीक है, यानी कि ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो यानी कि हमारा टोटल वर्क क्या हो गया 90। अगर हमारा टोटल वर्क 90 है और क्या बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि अगर तारा वर्क फॉर, यानी कि तारा की एफिशिएंसी कितनी है 6 की, अगर ये अपनी 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करेगी, 10 दिन तक काम करेगी, तो ये कितना काम निपटा देगी, 6 × 60, तो 60 काम तो ये निपटा देगी, ठीक है, 10 दिनों में ये 6 यूनिट काम खत्म कर देगी, टोटल काम है 90 यूनिट का, तो ये निपटा देगी, तो आपके पास काम कितना बचा है अभी 30, तो ये काम किसको करना है अभी सारा को करना है, इस सारा को काम करना है 30, और इसकी कैपेसिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है इसकी 5 की, ठीक है, तो अगर हम 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 6, ठीक है, तो जो 6 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन में वो काम 5 की स्पीड से करेगी, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी, तो 30 जो काम बचा हुआ है उसको 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में वो काम खत्म कर देगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ए हो जाएगा और A6 यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन थे हमारे आज की क्लास के, बहुत बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, पॉज करके समझिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल में ये सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और वापिस हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले संडे को, यहां से आगे वाली जो क्वेश्चन है हमारे वो हम वहां पर करेंगे, ठीक है। तो सेशन को लाइक एक बार फिर लाइक और शेयर, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और
अगर आप 40 सीरीज नहीं देखते हैं तो 40 सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर डेली हर टाइप के एग्जाम के वहां पर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप जरूर उनको देखिए, समझिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने से, और नहीं आता है तो फिर देखिए ठीक से, पहले वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने से, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, वापिस क्वेश्चन के वापिस अगले क्वेश्चन करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अपन अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, वापिस सीजीएल की जो अगले क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर के करेंगे वापिस सॉल्यूशन उनका। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।